औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। साईं जावेद साहब का शायद आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, तो ये हमारे मेरे ज़िले के आदमी थे। ये जो बाग है वहाँ से सुधन गली या गंगा चोटी रोड के ऊपर बीरपानी गांव के थे, तो ये एक रूहानी शख्सियत अपने आप को कहते थे। और इन्होंने हज़ारों लोगों का रूहानी तरीके से दिल का जो है वो ऑपरेशन करते थे, और लोग कहते थे हम ठीक भी होते हैं, लोग मानते थे। लेकिन इनकी जो बड़ी बात थी ये थी कि इन्होंने अपना इलाज कभी उस तरीके से नहीं किया। अपना इलाज ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से कराते थे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी इनसे मुलाकात हो, लेकिन कल परसों इनका इंतकाल हो गया, जो फेसबुक वगैरह पर जो आई हुई हैं चीज़ें। तो मैं इनके ऊपर थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ कि ये क्या तरीकाकार होता है, और ये हमारी इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम और इसमें ये शोकमंद और इस तरह की जो तसव्वुफ़ की बात चीज़ें हैं या बात जो रूहानी चीज़ें हैं उनको, हमारा उनके ऊपर कितना बड़ा अकीदा है। लेकिन जिस बंदे को हम मान रहे होते हैं उसका अपना अकीदा नहीं होता है। तो ये जनाब एक जिस इलाके से ये रहने वाले हैं, वहाँ इनकी अपनी लोकल, तो हमारे यहाँ हम लोग उनकी इलाके से थे, वो उनकी तो कोई भी यहाँ पजीरा नहीं थी। यहाँ से हमारे लोग सारे पिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल भरे होते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन पूरी पाकिस्तान नहीं, हो सकता दुनिया से लोग आते थे, नहीं तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे। और वो कहते थे, इनका कहना ये था कि मैं जिन्नू से या रूहानी तरीके से जो है वो बाईपास ऑपरेशन करता हूँ, ओपन हार्ट जो भी हो वो सारी की सारी चीज़ें वो करता हूँ। वो कुछ पानी भी देते थे, वो भी टनों के हिसाब से वो चीज़ें, और कुछ जो है वो दवाइयों की जड़ियाँ बूटियाँ और इस तरह का भी उनका ये काम था। और लोगों की जो सादा लोग या जिनका उनके ऊपर अकीदा था, वो जोग दर जोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, मैं फैसलाबाद में रहा, वहाँ से लोगों को आते देखा, कराची में लोग मुझसे पूछा करते थे। तो मैंने उनसे एक दफ़ा कहा एक बंदे से कि यार ये जो है आप ना करें इस लिहाज से कि नहीं है कुछ उनके पास इस तरह की, नहीं तो हॉस्पिटल वीरान ना हो जाए। इतफाक़ से उन्हीं दिनों में पता ही चला ये कराची गए हुए हैं, और इन्होंने अपना ऑपरेशन जाके वहाँ कराची कराया। ये जो शायद तस्वीर है एक यहाँ मैंने लगाई, ये SIUT की है या किधर की है। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ मुजफ्फराबाद आया तो उनको गुर्दे की प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सरदार मारूफ साहब हमारे दोस्त हैं, और उनके तो वो उनको मैं गप किया करता था। मैंने कहा देखें आपके पास ऐसा स्पेशलिस्ट आता है इलाज कराने के लिए जिसके अपने लाखों मरीज हैं और वो आपके पास आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एक वो आपने मौलाना ये जो एक खतीब शुभ शुभ भी, वो तो कोई बहुत ही हवाई काम थी, ये कोई चीज़ों को पानी शानी देना या कोई इस तरह की कोई जड़ियाँ बूटियाँ कुछ ना कुछ ये भी था। एक साहब ने मुझे ये बताया था कि ये जो है उसमें ये मैं मुबैना तौर पर मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि ये शायद उसमें जो है स्टीराइड वगैरह या इस तरह की चीज़ों का शायद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि उनका उनको जितना उनके हज़ारों जो उनके मरीज थे या लाखों चाहने वाले थे उनका जितना अकीदा था उनकी उस रूहानी इलाज के ऊपर, तो साईं जावेद का उतना ही नहीं अकीदा था आपने, और बिल्कुल यकीन नहीं था आपने उस इलाज के ऊपर। वो अपना अपनी कोई दवाई शवारा नहीं, वो जो है वो बड़ी रेगुलरली जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पिंडी से या मुजफ्फराबाद सरदार मार नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनसे, कराची में उन्होंने अपना इलाज जो है उन्होंने कराया किससे, वो डॉक्टरों से कराया। अपनी जो है वो दवाई किससे लिखवाते थे, डॉक्टरों से लेते थे, डॉक्टर से लेते थे। अपने लिए वो यहाँ से कराची गए, अपने लिए मुजफ्फराबाद बाहर आए। लेकिन लोगों की सादा लोग होने का इससे बड़ा और क्या सबूत है कि वो जो है वो उनको कहते थे कि यह हो गया। और कई लोग इसी तरीके से खड़क गए, कहाँ ऑपरेशन होता था और क्या नहीं। एक बंदे ने उनको एक दफ़ा बड़ा चैलेंज किया, उनने कहा ये दिल के अंदर का ऑपरेशन ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं, आप ये करें एक छोटा सा काम कर दें, मुझे सामने सामने अगर होगा तो मैं मान जाऊंगा कि आप ये छोटे किसी एक बच्चे को ले आते हैं, उसके आप खतने जो दूर से होकर खतने करा दें, अगर वो सामने सामने हो गए तो हम मान लेंगे। तो वो कैसे उन्हें थे, वो तो बात ऐसी थी। तो ये जो हमारी इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम या इस तरह की फलां के मुकाबले जो है वो उसके जो है उसने जिन पकड़े हुए हैं, जिन्हों से इलाज हो रहा है। अगर साईं साहब के पास जिन थे उन्होंने कराची जाके ऑपरेशन क्यों कराया, अगर उनके पास जिन थे तो ये हमारे डॉक्टर मारूफ साहब जो हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनसे जो है उन्होंने दर्जनों दफ़ा आके क्यों दवाइयाँ ली, उनसे आके क्यों चेकअप कराया, ब्लड टेस्ट क्यों करवाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे ढोंग हैं, जैसे वो मौलवी वो खतीब जो है जो शुफ शुफ है उसके ऊपर भी, वो इकरारुल हसन भी एक फिल्म है उसने भी पूरा एक ड्रामा लगाया हुआ है, ये
भागा दौड़ी आगे पीछे। लेकिन कहने का जो मैं उसको समराइज यूं करूंगा वो ये है कि सादा लोग जो है जो चीज़ चल जाती है उसके पीछे जाते हैं। अच्छा, हमारा जो ताल्लुक है, जो मेरा खास हमारा पूंछ जिला होता था, अब डिवीजन हो गया है, तो वहां पे लोग इस तरह की चीजों को नहीं मानते। उनके अपने पड़ोस के लोग, उनके अपने खानदान के लोग या आगे पीछे जो है उधर कोई नहीं जाता, लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। तो मेरा अब जो मैसेज ये है कि ऐसा नहीं हो वो कोई उनका और बंदा वहां बैठ जाए उनकी जगह, वो कोई मजार बना लें, कोई और आस्थाना बना लें, कोई और पानी कर जाए। तो ये चीजें जो हैं, अल्लाह जवारे रहमत में जगह दे साईं जावेद साहब को, उनकी अगर कोई उनसे गुनाह हुआ है वो बख्शिश करे। लेकिन उनके पास ना कोई जिन थे, ना कोई रूहानियत थी, ना उनके पास कोई इलाज था। और नफ्सियाती तौर पे अगर लोग खुश हो जाते थे या उनकी कोई बातें थी, जब वो ऐसे कम्युनिकेटर थे, वो मेरी तो उनसे कभी बात भी नहीं हो सकी। तो ये कहने का मकसद ये है कि साईं जावेद साहब बिल्कुल इसी तरह से खाली हैं जिस तरह से मैं और आप हैं। अगर कोई बंदा बीमार हो तो उसको जो है किसी, पहली बात ये डॉक्टर के पास जाओ, मुस्तनद डॉक्टर के पास, नहीं तो मुस्तनद हकीम। तो ये जो है ये हमारा रूहानी इलाज के साथ साथ होम्योपैथिक का एक इलाज है। पाकिस्तान में होम्योपैथिक का ना कोई कॉलेज है, ना कोई तालीम है, ना उसके प्रॉपर कोई सिस्टम है। तो इसलिए उनसे भी बचा करें। उसमें भी कई लोगों के जो है वो गुर्दे ख़त्म हो गए हैं, बाज़ लोगों के जो है लीवर ख़त्म हो गए हैं। लिहाजा अपने वो जो एक तरीका इलाज है, हमें उसके ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और इस तरह की जो जो माफ़ुकुल फितरत जो शख्सियात है उनसे परहेज़ करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।